न जाऊंगी खाली, कुछ नवाजों का सदकाता हूं। तो मेरी प्यारी सी YouTube की फैमिली, क्या हाल चाल है, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और एक बार फिर से मेरे चैनल पे आप सबको वेलकम है। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद किया, इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरे चैनल को शेयर करते रहें ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आती रहूं। आप लोगों की शेयरिंग इज केयरिंग से मेरा चैनल माशाल्लाह ग्रो होने लगा है और जल्दी जल्दी से मेरे 1K करवा दें ताकि मैं आप लोगों को गिव अवे दे सकूं। अच्छा, गिव अवे की बात भी यहाँ पर मुझे एक चीज़ याद आ गई कि आप लोग अगर मेरे चैनल की शेयरिंग कर रहे हो ना, तो जिनसे करते हो, अपने फ्रेंड से करते हो, फैमिली से करते हो, तो उनसे लाजमी कहा करो कि वीडियो को लाइक भी करें एंड चैनल पर कमेंट भी किया करें, हर वीडियो पर कमेंट किया करें। इससे मुझे ये पता लगेगा कि किसने मेरे चैनल की शेयरिंग की है और साथ साथ ना आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लिया करें। अच्छा जी, अब आ जाते हैं वीडियो पर। क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि मैं सॉस पास्ता बना रही हूँ। इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आतिफ के कलीग भी आ गए थे और आज मैंने जाना था अपनी खाला की तरफ महफिल मिलाद में, तो मैंने सोचा जी यही बना लेती हूँ और फिर आतिफ के फ्रेंड को भी मैंने यही सर्व कर दिया था। मेरा हेलो हेलो कर दो, जल्दी से कर दो हेलो, मेरे सब देख रहे हैं बेटा। यहाँ पर मीरा के नखरे नहीं ख़त्म होते, सब कहते हैं मीरा को वीडियो में नहीं दिखाती और मीरा के एटीट्यूड नहीं ख़त्म होते। तो बस यहाँ पर ना, जब तक मैंने आतिफ को पास्ता सर्व किया था और साथ साथ ना मैंने मीरा का भी लंच रेडी कर लिया था क्योंकि हम लोगों को जाना था तकरीबन 4 बजे के करीब और कुछ लाइट सा मील तो लेना ही था ज़ाहिर है क्योंकि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया हुआ था। और बस मैंने ना वाइट सॉस पास्ता ही बना लिया था जल्दी जल्दी में। तो यहाँ पर जी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपना ड्रेस और ये ड्रेस मैंने लिया था आइडियाज़ बाय गुल अहमद। अगर आप लोगों ने मेरी आइडियाज़ वाली वीडियो देखी होगी तो आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देखें। और यहाँ पर देखें एक शेप है जिसका मुझे ख़ुद भी नहीं पता था, जब मैंने ड्रेस लिया ना तो बहुत जल्दी मैंने स्टिचिंग के लिए दे दिया था ड्रेस और मैंने कहा जब स्टिच होकर आ जाए तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और यहाँ पर मेरा का ड्रेस देखें, ये मेरी मामा ने डिज़ाइन किया है, मामा बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग कर लेती हैं। तो ये ना मदर डॉटर ड्रेस हमारा सेम हो गया था। अब मेरा ये इरादा था कि मैं मेरा को कोई और सा ड्रेस पहनाऊँ, बट आतिफ ने कहा कि जब मदर डॉटर सेम है ना तो यही पहनाओ, बहुत अच्छे लगोगे तुम दोनों। और यहाँ पर देखिए जी, अब मैंने मीरा को ना रेडी कर दिया है और मीरा का मूड ज़रा ख़राब है इसलिए क्योंकि मीरा को नींद आ रही थी और ये मीरा का ना स्लीपिंग टाइम है। वेल, मैंने यहाँ पर मीरा को अच्छे से रेडी किया, माशाल्लाह मीरा बहुत प्यारी लग रही थी और मैं भी रेडी हो गई थी। छोटा सा आपको क्लब दिखाती हूँ और मीरा यहाँ पर अपने बैंगल्स देख रही है आज मामा ने मुझे क्या क्या पहना दिया है। और यहाँ पर ना मैं भी रेडी हो गई, थोड़ा सा मैं आपको अपना आउटफिट दिखा रही थी और इग्नोर कीजिएगा जी बैकग्राउंड को, बस जल्दी जल्दी में ऐसा ही होता है। मैंने सोचा कि अब बाकी चीज़ें मैं आकर समेट लूँगी। तो अब चलते हैं जी मिलाद में और जितना मुझसे हो सकेगा मैं आप सबको दिखाऊंगी। वैसे तो बहुत ज़्यादा शूट करना पॉसिबल नहीं है लेकिन जितना हो सकता है मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि ज़्यादा फोकस जो है वो मिलाद पे करना होता है। यहाँ पर मैं आ गई हूँ, मुझे लगा था मैं लेट हो गई हूँ बट लेट नहीं हुई थी क्योंकि सब अभी अभी ही आए थे और ऐसा ही हुआ कि मेरा रास्ते में सो गई थी तो मैंने मीरा को अंदर सुला दिया था रूम में। कैसी है लाइबा? ठीक ठाक। قل هو الله أحد الله الصمد صدق الله العظيم آمين حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله حسبي ربي جل ख्वाब में देखा तो अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर जिनाने मिस्र यानी मिस्र की औरतों ने अपने हाथ काट लिए थे और बात भेजो ना
तन्हा नहीं होने देते अपने भक्तों को, वो तन्हा नहीं होने देते, को छाट दे खुशबू से सबको आठ दी फिर दी है बाट दी वादे सबाच। इसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग यहाँ मौजूद नहीं उन तक मेरा ये पैगाम उन तक पहुँचाओ, और फिर अगले लोग और फिर वो लोग अगले लोगों तक पहुँचाएं। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। अल्लाह ही अल्लाह शादियाँ खुशी के बजाए गए, शादियाँ खुशी के बजाए गए, शादी के नगमे प्यार कहते हैं किसे और ममता भी क्या चीज है, प्यार कहते हैं किसे और ममता भी क्या चीज है, पूछे जिनकी मर जाती है माँ, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को और उनकी आल को पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमाने हैं। अल्लाह अज़्ज़ वजल गफूर रहीम, या अल्लाह अज़्ज़ वजल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उनकी आल को पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमाने हैं। अल्लाह जितनी प्यारी बहनें आई भी हैं इनके घर से, इनके बुजुर्ग जो भी जा चुके हैं उनको पेश करने में कबूल मंजूर फरमाने हैं। अल्लाह अज़्ज़ वजल गफूर रहीम, जिनका नाम ये तला पाक उनकी कब्र में रोशनी अता फरमा दे, जन्नत के बागों में से बाग अता फरमा दे। तुम तेरे हर दम करोड़ों दुरूद सलाम, नहीं कोई हुस्न अमल पास मेरे, नहीं फंस ना जाऊं कयामत तक मो। अभी दुआ और नहीं होगी, बस खत्म दुआ। माशाल्लाह माशाल्लाह, सबको मेकअप खराब हो गया और मैं मेकअप करती नहीं हूँ, नेचुरल ब्यूटी। और मेरा भी नेचुरल है। मिलाद जो है अख्ताम को पहुंचा, और जितनी वीडियोस आप लोगों ने देखी, कुछ मैंने बनाई हैं, कुछ मैंने बनवाई है अपनी छोटी कज़न से, क्योंकि आप लोगों को भी मुझे दिखाना था, और मुझे ना इस तरह की महफिलों में जाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब बस यहाँ पर मेरा जो है ना, मेरी खाला की और मामों के बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुश हो रही है, क्योंकि ना बहुत कम टाइम मिलता है हम लोगों को इस तरह एक साथ गेट टुगेदर करने का। और यहाँ पर अभी बस जब सब खाना खा रहे हैं, और मेरा की जी बन रही है सेल्फियाँ, क्योंकि मेरी छोटी सी कज़न है ना, उसे बहुत ज़्यादा शौक है मेरा की पिक्चर्स लेने का, और यहाँ पर ना वो मेरा की पिक्चर्स लेकर मेरा को दिखा रही है। और यहाँ पर बन रही हैं पिक्चर्स सेल्फियाँ, या आफ्टर मिलाद वाला माहौल है, या आफ्टर मिलाद वाला माहौल है, ये बिशरा है। और यहाँ पर अब सेल्फियाँ ली जा रही हैं बस। और मैं कैसी हूँ मैं भी दिखाऊँ ज़रा, मेरा कुछ हाल ऐसा है, मेरा को लटका के साइड पे है ना, मेरा लटकी भी कैसे है ये सामने देखो। हो गया, बस खाना खाएंगे अभी हम। ओपिनियन शेयर करें अपना, आप लोग कैसे लगी आपको अम्मी मिलाद? मिलाद बहुत
बहुत पसंद आया, बहुत अच्छी। या जिनकी जिन्होंने करवाई है उनको बुलाऊं, वो पूछेंगी ना तो अच्छा भी लगेगा, उनसे ही पूछेंगे। और खाला आपको कैसा लगा? कैसा लगा? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, बाकी अच्छी पढ़ी है ना, नाते बहुत अच्छी पढ़ी है। वो जो नमाज को लेकर उन्होंने बयान किया ना, बहुत जबरदस्त। इतनी छोटी सी एज है बच्चे की, लेकिन पहले इसकी अम्मी पढ़ती थी, मेरे बहुत। अब जी हम लोग बस यहाँ पर खाना खा रहे थे, क्योंकि आंटी के जितने भी मोहल्ले वगैरह से आए हुए थे ना खाला के, वो सारे अब जा चुके थे। तो अब हम यहाँ पर फैमिली जितने भी थे ना हमारी, जो अपनी खाला वगैरह और कज़न्स वगैरह, हम लोग सब यहाँ पर खाना खाने लगे थे। क्योंकि ना इस तरह की महफिलों में जाकर बहुत अच्छा हम लोगों को इसलिए भी लगता है कि हमारा एक फैमिली गेट टुगेदर भी हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा कम हम लोगों को ऐसा टाइम मिलता है कि हम फैमिली के साथ जो है इस तरह बैठें, और सबकी लाइफ इतनी मसरूफ़ हो गई है। नहीं, एकदम गंदा लगता है मुझे, ये बहुत गंदा लगता है मुझे, इतना बुरा लगता है। हाँ पट्टी करती हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड। आप लोगों ने बताना है आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। और ये है जी मेरे नाना और मेरा के हैं पर नाना, और कितनी लगी है ना मेरा के पर नाना भी हैं। तो चले जी आज इनकी घर हम महफिल मिलाद में आए। अल्लाह हाफिज़ कर दो सब, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।